कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। जिले की पिनगवा पुलिस ने मास्क नहीं पहनकर वाहन चलाने वाले चालकों को न केवल मास्क पहनकर वाहन चलाने की हिदायत दी, बल्कि ऐसे वाहन चालकों के 500-500 रुपये के चालान भी काटे गए। आपको बता दें कि SHO पिनगवा चंद्रवान खुद सुबह से शाम तक ऐसे वाहन चालकों के चालान काटने में जुट गए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान चंद्रवान SHO पिनगवा ने बताया कि सोमवार दोपहर तक तकरीबन 17 वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं और शाम तक कम से कम 25 से 30 वाहनों के चालान काटे जाने की बात कही। इसके अलावा रविवार को 25 वाहनों के चालान किए गए तो शनिवार को भी तकरीबन 35 वाहनों के चालान काटे गए। इन सभी वाहनों के चालान कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से मास्क नहीं पहनने पर 500-500 रुपये के नगद चालान काटे गए। कोरोना महामारी देश दुनिया पर पड़ा संकट है। संक्रमण से न केवल लोगों की जान बचाई जा रही है, बल्कि पॉजिटिव पाए जाने पर दूसरे लोगों ने में भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए मास्क पहनना अनिवार्य है। घर से बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क पहनना जरूरी है और बार बार हर व्यक्ति को साबुन से हाथ धोने जरूरी हैं, तभी जाकर इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए, अभी तक हमारा जो ऑपरेशन वो भी मास्क के विदाउट चालान का चल रहा है और अभी तक हमने इसमें 17 चालान काट सके हैं और शाम तक तो हम इस टारगेट को करीब करीब 50 और 60 के आसपास अचीव कर लेंगे। और ये काम कंटिन्यूसली पर डे किया जा रहा है। हमने कल भी 25 चालान काटे हैं, उससे पहले भी हमने 35 चालान काटे थे, तो रेगुलरली चल रहा है। देखिए, लोगों से अपील की जा रही है भाई, आप सभी जो बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपने अपने चेहरे पर मास्क लगा करके निकलें, और जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा उसका 500 रुपये का सरकार की तरफ से प्रावधान है, फाइन है, उसकी हम पर्ची काटते हैं।